रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज जो हमारा पोएम है दैट्स फ्रॉम पाकिस्तानी लिटरेचर रिफ्लेक्शंस बाय तौफीक रफ़त रिफ्लेक्शंस का मतलब है थॉट्स रिफ्लेक्शंस पे ऑलरेडी मैंने दो वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने फ़र्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेंजा को डिस्कस किया है सो इन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज की वीडियो में हम फिफ्थ सिक्सथ और सेवन्थ स्टेंजा की बात करेंगे इन तीनों स्टेंजर को डिस्कस करेंगे सो टाइम क्वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्ट फिफ्थ स्टेंजा में पॉइंट क्या कहता है अ पोम इज मोनमेंट स्कल्प्चर्ड इन वर्ड्स इट विल लास्ट एज लॉन्ग एज द स्टोन विल लास्ट ऑफ द सोल्जर हु गार्ड्स अवर क्लास रोड्स ब्रेवली मीन इट एकोमुलेट्स फंगस एंड सिटीज क्रॉस द स्लम children chalk their stumps on its base and quietly prefers for the day. when crossroads statue all will be gone not the knuckle of a word or the hangnail of a phrase remains Line by line it will molder away as the feeling molders that presu uh, that pressure uh, pres uh, pres pressured into being the vertical line between in th between the eyes between the yes

सर स्कल्पचर का मतलब क्या है मुजस्मा और मोनमेंट जो मोनमेंट वर्ड यूज़ हुआ है मोनमेंट जो है तारीख या तारीखी को कहते हैं अब यहाँ पे आप इमेजिन करो ये जो पोएम है ये मोनमेंट है मोनमेंट किसे मुराद मीन्स तारीख पोएम आपके सामने एक स्कल्पचर की तरह है ये तब ये तब तक है जब तक गार्ड इसको प्रोटेक्ट करेगा मतलब ये पोम जो है आप इमेजिन करो ये एक मुजस्मा है और इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है ये एक गार्ड जो है इसे प्रोटेक्ट कर रहा है नजम अगर एक मुजस्म है ये पोम अगर एक मुजस्म है तो ये तब तक रहेगा जब तक एक ब्रेव सोल्जर रहेगा मतलब इसकी हिफाजत के लिए एक ब्रेव सोल्जर कर मतलब इसकी हिफाजत जो है एक ब्रेव सोल्जर कर रहा है और ये स्कील्पचर ये फ़ंगस मतलब इस मुजस्मे पे ये जो स्कील्पचर है इस पर फंगस आ जाती है ये जो फंगस वर्ड यूज़ हुआ है सो इट मींस कि इस स्कील्पचर पे फंगस आ जाती है मतलब यहाँ पे पोम्स की बात हो रही तो इस पोम पे एक फंगस आ जाती है इकबाल ने जब शिकवा और जवाब शिकवा लिखा था ये वैसे एग्ज़ैम्पल दे रहा हूँ लोगों ने जब पढ़ा तो झूम उठे थे और इकबाल के इस शिकवे और जवाब शिकवे पे फंगस जम चुकी है उसकी ज़बान अब हमें समझ नहीं आती इसी तरह ये जो पोएम्स हैं इन पर भी फंगस जम चुकी है लोगों को समझ ही नहीं आती लोग पढ़ते नहीं ये लोगों को समझ ही नहीं आती अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है बेस बेस का मतलब है फाउंडेशन मतलब मुजस्मे की फ़ाउंडेशन और स्लम स्लम का मतलब है खस्ता हाल शहर का खस्ता हाल और स्टम जो क्रिकेट से रिलेटेड है स्टम का मतलब है बॉल्स के जरिए गिराना जस्ट इट्स जस्ट लाइक इन क्रिकेट बच्चे भी इस मुजस्मे के बेस पर यहाँ पर जो आ, बच्चों के लिए यू, यूज़ हुआ है कि बच्चे भी इस मुजस्मे के बेस पर ये जो बच्चे हैं मीन्स चिल्ड्रन चॉक देयर स्टम्स ऑन इट्स बेस एंड क्वाइटली प्रिफेयर्स फॉर द डे मतलब जो बच्चे हैं वो भी इस मुजस्मे की बेस पर मतलब इस मुजस्मे का जो बुनियाद है उस पर नक्शे बनाते और यही काम नजम के साथ भी होता है एक टाइम आएगा जब सब कुछ फना होगा और हम सब इस सफ़र में हैं क्रॉस रोड से मुराद ये जो क्रॉस रोड वर्ड यूज़ हुआ है सो क्रॉस रोड से मुराद जो है क्रॉस रोड क्रॉस रोड से मुराद चौक और स्टैचू नजम ये सब फना हो जाते हैं नकल जो है उंगलियों की जोड़ को कहते हैं तो यहाँ अलफाज की जोड़ के लिए यूज़ हुआ है हैंगनेल ये जो हैंग नेल है ये अगले लाइन में हैंग नेल से मुराद वो जगह जिस पे आप कपड़े लटकाते हो और यहाँ पे अल्फाज लटकाने की बात हो रही है ये नज़म ख़त्म हो जाएगी एक दिन माउल्डर जो है टूटने को कहते हैं जिस तरह एहसास बह जाते हैं इसी तरह एक एक लाइन करके मेल्ट हो जाती है मतलब नज़म भी मेल्ट हो जाती है यस जो है रिस्पॉन्स है वो अल्फाज जो हैं कनेक्टेड हैं आप रिस्पोंड करते हो अपने आप को पोएम ग़ायब तो आप भी ग़ायब जब इस जब एहसास ही ख़त्म तो एहसास और नज़म के दरम्या जो था वो भी ख़त्म और खिनिंग भी ख़त्म मतलब चालाकियाँ ख़त्म इंटेलिजेंस ख़त्म एडिफेस जो है बिल्डिंग को कहते हैं मतलब स्ट्रक्चर गिर जाता है इमारत बरकरार रहती हैं वो ख़त्म नहीं होती मलबे से पता चलता है कि इमारत कितनी शानदार थी स्किल कहीं सर्वाइव करती है अर्क जो है मलबे से मतलब अर्क जो है क्रूज़ को कहते हैं और किनिंग कनिंग जो है यहाँ पे आर्ट के लिए यूज़ हुआ तो कनिंग ख़त्म नहीं होती ये जो वर्ड कनिंग है ये ख़त्म नहीं होती सो ये किनिंग सो किनिंग जो है ये ख़त्म नहीं होती इसेंशल जो है एसेंस है जिसका है निछोड। मतलब है निचोड़ मतलब निचोड़ होगा जो ख़ूबियाँ है उस आर्ट की वो कहाँ होती है हमारे दिल में हमारे दिल में उस आर्ट की खूबियाँ बच जाती है अब इस पे परामाकबाल का एक शेर है कि रंग हो या खशत संग चंग हो या सूरत, मुहजा फ़न की है खून जिगर से नमूद रंग से मुराद पेंट खशत से मुराद आर्किटेक्चर संग से मुराद पत्थर चंग से मुराद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, और जो हर पूरत है उससे मुराद शायरी तो इसका मतलब ये हुआ दिल से निकला हुआ जो फ़न है वो बरकरार रहता है फ़नकार का फ़न बरकरार रहता है सो ये था फिफ्थ स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ आई होगी इस पूरे स्टेंजा में यही बताया गया है कि जो आर्ट है वो मतलब लोग जो है अब बिल्कुल उसको नहीं पढ़ते जो पोइट्री है या जो भी वो जम चुकी है उस पर फंगस आ गई है और ये जो पोएम है इसको बिल्कुल एक आ, मतलब एक स्टेच्यू से जो है इसकी कंपैरिजन की गई है कि जैसे स्टेच्यू जो होता है उस पर फंगस आ जाते हैं इसी तरह सेम पोएम को भी जब लोग नहीं पढ़ते तो इस पर एक किस्म की फंगस आ जाती है लोगों को फिर उसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आती जैसे इकबाल के मैंने एक एग्जांपल दी के शिकवा जब अभी शिकवा जब लिखा गया तो लोगों ने इसको बड़ा एंजॉय किया लोग झूम उठे थे लेकिन उसके साथ क्या हुआ जो है अब उस पर एक क्या कहते हैं फंगस आ गई है मतलब लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं लोगों को उसकी उस लैंग्वेज की समझ ही नहीं आती अब Let's stanza so it is time to examine the nature of permanence a tree is permanent not in itself but in the multiples instinct is permanent words have a permanence of sorts a twisting got track in the hills uh, saturated with fine smell is remembered or a path through the rice fields long ago what choose these unconnected things done with inconsiderable buried undertones of recent pain still awaiting a voice are and them from our guts with such resonance that words bubble to the top as if they had waited for us it consider permanence is to study the casual तो ये इसलिए मैं सारे जो पूरा स्टेंज है इसलिए एक साथ पढ़ता हूँ क्योंकि ये सारे लाइन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं आप इस तरह एक एक लाइन की ट्रांसलेशन नहीं कर सकते सो अब सिक्स में, सिक्स टेंजा में क्या बताया गया इस पोएम में फ़िलासफिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं कौन सी चीज़ बाकी रहती है कौन सी ख़त्म हो जाती है जैसे दरख्तों का जिक्र है अब ये स्टार्ट में दर ये जो चिंडा के स्टार्ट में क्या गया दरख्तों के बारे में बताया गया जैसे दरख्तों का जिक्र है दरख्त जो है परमानेंट है अपने आप में अपनी नस्ल की वजह से दरख्त पे दरख्त उगते हैं जबलत जो है मुस्तकिल है टेक्नोलॉजी आई है लेकिन जबलत जबिलत जो है सेम है जैसे लव हेट ये अभी भी, भी इंसानों के अंदर मौजूद है चाहे वो जंगल में रहता हो या शहर में मतलब उसके अंदर जो है जबिलत है मतलब लव हेट ये फीलिंग्स उन सब इंसानों के अंदर है चाहे वो जंगल में रहता हो या शहर में और गोड ट्रैक ये जो वर्ड कि गए गोड ट्रैक सो गॉड ट्रैक जो है इसका मतलब है बकरियों के पाँव के निशान पहाड़ों पे जो बकरियों के पाँव के निशान होते हैं उनमें से खुशबू खुशबू भी आती है और वो खुशबू मतलब वो खुशबू और वो निशान एक वक्त में मिट जाते हैं लेकिन आपके माइंड में वो खुशबू रहेगी दान की फसल भी ख़त्म हो जाएगी लेकिन उसकी याददाश्त रहेगी अब यहाँ पे एक सवाल है तो वो क्या चीज़ है जो बाहर बिक्री हुई चीज़ों को जोड़ता है तो वो जो है हमारी याददाश्त है हमारी यादाश्त क्या है हमारी यादाश्त बिखरी हुई चीज़ों को जोड़ता है मीन्स जिसने सब कुछ जोड़ा है और इन सब मतलब हमारी याददाश्त ने सब कुछ जोड़ा है और इन सब चीज़ों की नक्श हमारी मेमोरीज़ में मीन्स रह जाती है याददाश्त किसी खाने में होती है ये सब इनकन्सडरेबल रह जाते हैं ये ख़त्म नहीं होते ट्रैक तो बज़ाहिर ख़त्म होता है मीन जो ट्रैक की बात की गई है तो ट्रैक तो बज़ाहिर ख़त्म हो जाती है ये जो गॉड ट्रैक ट्रैक तो बज़ाहिर ख़त्म हो जाती है लेकिन हमारी यादाश्त में यानी हमारी मेमोरी में उसका नक्श होता है और इस इंतज़ार में आ, व, और वो इस इंतज़ार में है कि कोई उसको आवाज़ दे वो हर वक्त तैयार होती है मतलब कौन किस चीज़ की बात कर रहा है हमारी मेमोरी में जो चीज़ें होती है वो ऑलरेडी होती है बस कुछ ऐसा चाहिए कि उसे कोई मतलब कोई आवाज़ दे कोई ऐसा कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने है, कोई ऐसे वर्ड्स कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने के उसे कोई अब मीन्स उसे कोई सिग्नल मिले ताकि उसे दोबारा हम रिपीट कर सकें और रेंच रेंच का मतलब है कोई इनको पकड़ के लाए किस चीज़ को मतलब उन वर्ड्स को उन अल्फाज को जो हमारे माइंड में जो हमारी मेमोरी में बसे हैं जो हमारी मेमोरी में मौजूद है जो हमारी, हमारी याददाश्त में होते हैं और पेसिनंस का मतलब है पावर ये प्यसिन जो वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब है पावर ये सो आ, और ऐसा महसूस होता है वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती बस कोई उन अलफाज को कुछ पहनाए वो लो वो जाग उठे मतलब सब कुछ हमारी यादाश्त में होती है ग़ायब नहीं होती सो ये इस पोए में मतलब एक ऐसी चीज़ के बारे में बताया गया कि भाई जो चीज़ें होती हैं वो हमारी माइंड में होती है मतलब हमारी माइंड में सब कुछ होता है आ, मतलब एक यादाश्त जो हमारी होती है मतलब आ, हमें बस कुछ सिग्नल चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए कि कुछ ऐसी फोर्स चाहिए कि वो अल्फाज जो हैं जाग उठे मतलब हमारे आ, सामने हम उसको लिख सके या आ, उसे एक सिग्नल चाहिए होता है हमारी मेमोरी में, में सब कुछ होता है सेवन स्ट्रेंजा की बात करते हैं ये लास्ट स्ट्रेंजा है बाकी स्ट्रेंजा हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे Can applotus coexist with conscious craft as a noise? I let each poem proceed on its intense illogical way. Like a woman no more shall such abandon, uh, abandonment be suffered, or image engrafted for its thrill, for an image should never be. An osis in a waste or of words, but gently glow as a gulmour close among the splendid everyday sessions in all the years of building while one is learning to place our brick uh, above another each in its proper place does the lyric circ impungent rebel decline to a strummer stammer and finally withdraw the risk is real but it's mine to leave the path in the wilderness and seek with an adult purpose contentment in the formal garden अब सेवन स्टेंजा में पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है एप्लेट्स एप्लेटिस मुराद आ, जैसे हमने पिछले जो फर्स्ट स्टेंजा उसमें बात की थी क्राफ्ट और इंस्पिरेशन की सो एप्लीटिस से मुराद क्राफ्ट और इंस्पिरेशन और नोइस ये जो वर्ड यूज़ हुआ है नोइस नोइस का मतलब इकतदार करने वाला और यहाँ पे सवाल ये है कि इंस्पिरेशन एंड क्राफ्ट को एग्ज़िस्ट करती हैं यस ये दोनों को एग्ज़स्ट करती हैं और नज़म जो है उसका एक तरतीब सा रास्ता है उसे चलते देते हो जिसे एक औरत अपने बच्चे के साथ करती है वो भी उसे चलने देती है ज़्यादा रोक टोक नहीं करती और अबेंडमेंट का मतलब है ये जो वर्ड अबेंडमेंट हुए इसका मतलब है तर्क करना नजम के दौरान सफ़र करने के लिए तर्क नहीं करता मीनस ट्रिल इमेज की जरूरत नहीं है और का मतलब है नखलिस्तान अगर इमेज फिट होता है तो सही अदरवाइज इट्स ओके okay। उसमें एग्जिज्रेशन करने की जरूरत नहीं है मतलब ज़्यादा ओवर करने की ज़रूरत नहीं है कुछ लिखने के लिए कुछ करने के लिए कुछ परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए मतलब जो चीज़ फिट होती है तो उसे फिट रखो बाकी उसमें एग्जिज्रेशन करने की ज़रूरत नहीं और ये शशहम्स जो है ये एक दरख्त है जब आप इमारत तमीर करते हो तो एक प्रॉपर वे होता है लेरिक जो है मौसीकी है एम्पन्जन का मतलब है ये जो ये इमजन का मतलब है कन्फ्लिक्ट करना सिल्क का मतलब है सिल्क सिल्क का मतलब है नाराज होना और जो छुपी हुई चीज़ होती है वो भी इमारत का हिस्सा बन जाती है पीछे टहने से इनकार करती है नज़म इस चीज़ की हकीकत है फॉर्मल गार्डन का मतलब है जब आप फॉर्म में फॉर्म देते हैं अपनी नज़म जो है फॉर्मल गार्डन की तरह नहीं होता आप उसको बेतरतीब छोड़ते हो नज़म को फुल इमेज से नहीं बरत बरना चाहिए हर चीज़ को परफेक्शन की तरफ नहीं ले जाना चाहिए नज़म को भी फुल फॉर्मल गार्डन नहीं होना चाहिए नहीं बनाना चाहिए ये सारे इमेजेस है लगता है नेचुरली आए हैं अब यहाँ पे अगर एक एक मिसाल मैं आप लोगों को दूंगा, मसलन चाइना में एक दफ़ा क्या हुआ था चाइना में एक वक्त में मुकाबला हुआ था अब ये एक जो है मिथ है तो चाइना में मुकाबला हुआ था कि कौन सबसे अच्छा जो है स्नैक ड्रा करेगा मतलब पेंटिंग वगैरह करे तो आ, जब ये मुकाबला हुआ था कि कौन सबसे अच्छा स्नैक ड्रा करेगा ये जो सांप वगैरह ये कौन सबसे अच्छा ड्रा करेगा तो जवाब जो अच्छी तरह ड्रा करेगा मतलब उसके लिए इनाम में उसके उसको इनाम भी दिया जाएगा ये भी कहा गया था अब सब बना रहे थे सब जो है ड्रा कर रहे थे तो एक ने जल्दी मुकम्मल की ड्रा जब एक ने जल्दी मुकम्मल की ड्रा की जब उसने ड्रा की तो उसने जब देखा कि सब अभी तक बना रहे हैं मैंने बहुत पहले ही बना लिया क्यों ना मैं इसमें कुछ और ऐड करूं तो उसने उस के पाँव ड्रा करना स्टार्ट किए अब स्नै के तो पाँव नहीं होते लेकिन उसने क्या किया उसने स्नैक के पाव बनाना स्टार्ट किए तो ओबियसली वो हार गया क्योंकि वो वो जो था और परफेक्ट उसे बनाना चाह रहा था अब वही बात आ देखिए एग्जिज्रेशन एग्जिजरेट करने की कोशिश कर सो एनी वे इट वॉज़ मिथ नॉट रियलिटी तो कहीं भी चीज़ को किसी भी चीज़ को परफेक्शन की तरफ नहीं ले जाना चाहिए सेम यहाँ पे जो है पॉइंट भी यही बात कर रहा है कि किसी भी चीज़ को परफेक्शन जो एक इमेज अगर फिट होती है तो फ़िट कर दो अदरवाइज़ इट्स ओके आप अगर ज़बरदस्ती उसमें इमेज फिट करोगे तो उसका इम्पेक्ट जो है बहुत गलत होगा सो so, चीज़ों को जो है देख के मतलब उसमें परफेक्शन अगर बनती है तो परफेक्ट करो वरना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप उसमें ज़बरदस्ती जो है इमेज ड्रा करो या इमेज जो है इंसर्ट करो या कुछ ऐसे अल्फाज लिखो जो ज़रूरी नहीं होते तो ये चीज़ें जो हैं इस टेंजा में बताई गई सो आई होप आपको ये फिफ्थ सिक्स सेवन स्टैंडा की समझ आई होगी uh, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो द सेम नाम से मेरी जो है इंस्टाग्राम आईडी भी है इंग्लिश विद कॉमरेड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर ऑफ़ और सेल्फ इन द नेक्स्ट वीडियो